नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पार्ट सलाफसी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अपडेट ऑलरेडी मैं आपको आफ्टरनून में ही बता दिया था कि आज एक मीटिंग है BHU में, और उस मीटिंग में फाइनली ये डिस्कस हो जाएगा कि BHU PG का जो एडमिशन है वो फाइनली इंड हो चुका है। उसका एक फाइनल डेट आ जाएगा नोटिस के तरीके से कि आप उसको अच्छे से समझ जाओ। और दूसरा ये था कि BHU UG का और मापो ब्राउन का पूरा फुल डिटेलिंग जो डिस्कशन है वो कैसे पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये तमाम चीजें फाइनली आ चुकी हैं, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको पहले से मेंटली मैं प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये है बेसिकली स्पॉट मॉपअप राउंड UG का पूरा फुल डिटेलिंग, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको ध्यान से सुने, ठीक है? तो पहला लाइन ही बोल रहा है कि द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट्स थ्रू मॉपअप राउंड अलॉटमेंट। द प्रोसेस ऑफ विच वुड बी सिमिलर टू द स्पॉट राउंड, यानी स्पॉट राउंड की तरह ही मॉप राउंड होगा, और ये बची हुई सीटों को फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनली एग्जीक्यूट कर रही है। टू कैलकुलेट द फाइनल वैकेंसी ऑफ मॉप राउंड अलॉटमेंट, द विदड्रॉल ऑप्शन विल बी डिसेबल फ्रॉम द, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी आपको एक दिन का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि चूंकि आज 30 है तो एक दिन का मौका है, जिसको भी अपना सीट विड्रॉल करना है वो कर सकता है। उसके बाद ये तब तक के लिए विड्रॉल ऑप्शन गायब रहेगा जब तक आपका पूरा मॉपअप राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि MU राउंड शैल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल UG कोर्सेज इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, यानी कि ये PG से थोड़ा अलग है। PG में थोड़ा सा क्या था कि उन्होंने प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं किया था कुछ केसेस में, यहाँ पे प्रैक्टिकल को इंक्लूड किया जा रहा है अगर आपने उस प्रैक्टिकल को किया है तो, ठीक है? फोर्थ क्या बोल रहा है, देयर विल बी ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि इस पूरे मॉकअप राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो ओनली ऑनलाइन ही होगा, कहीं ऑफलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहां से होगा, आपके पोर्टल से होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है एलिजिबिलिटी, इसकी समझो पहले, क्योंकि डेट तो यहाँ पे नीचे है। एलिजिबिलिटी क्या कहता है, जिन बच्चों को भी BHU में एडमिशन मिल गया है और उन्होंने सीट को ले रखा है वो नॉट एलिजिबल है, लेकिन जिन बच्चों को भी सीट मिली है, ठीक है, और उन्होंने विड्रॉल कर लिया या सीट मिली फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसे लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन उनका BHU में या स्पॉट ऑन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? ये आप लोग ध्यान देना ऐसा है। और जिनका अभी तक कोई सीट नहीं मिला, जो वेट लिस्टेड है, जो कई दिनों से वेटिंग में है, उन बच्चों को भी यहाँ पे एलिजिबल किया गया है, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बेसिकली जो पूरा है ये अलॉटमेंट चलेगा, ये भी मेरिट के बेसिस पे चलेगा, लेकिन उन बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा जो फाइनली इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरिट रेगुलर से आगे पीछे चला जाए, आप उस पे एक क्लेम करो कल को कि अरे भाई मेरा तो मार्क्स ज्यादा था फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला, और ये मॉपअप राउंड के वजह से बच्चे अचानक से मेरे पैरेलल कैसे आ गए। तो यहाँ पे ये लाइन लास्ट वाला भी पहले से ही फाइनल है। अब जो डेट है उसको समझते हैं। डेट क्या कह रहा है कि 1 तारीख के डेट को, यानी कल वाली जो डेट है बेसिकली, ठीक है, आपके पास कैंसिलेशन का ऑप्शन है कल तक, ठीक है, रात के 11:59, ठीक है, 59 मिनट तक आपके पास है। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट, यानी अब आपके पास पूरा BHU UG का वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, जैसे ये क्लोज होगा पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हाँ टोटल 2,000 2,500 3,000 सीट खाली है, ठीक है, अप्रोक्स। स्टार्ट ऑफ एडिटिंग यानी प्रिफरेंस का पूरा आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद सीट एलोकेशन डिक्लेरेशन फिर आ जाएगा, वो है 7 तारीख को, फी पेमेंट 8 तारीख को, फिर सेकेंड राउंड। ये पूरा एक प्रोसेस है, टेलीग्राम का एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, बाकी का अपडेट वहां मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे प्रोसेस को, अगर आप घर बैठे समझना चाह रहे हो यानी उसको पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो और उसमें आप किसी साइबर वाले का हेल्प लेना चाहते हो या काउंसलिंग वाला का, तो ये जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, इस नंबर पे आप फाइनली व्हाट्सअप करिए। उसका 50 रुपीज का अभी सेशन में 50 रुपीज ही है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपका बाकी का पूरा प्रोसीजर वो लोग हैंडल कर देंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक। हर हर।